अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ANY न्यूज नेटवर्क। मैं हूं मोहम्मद एहसन। कमीर शरीफ से हमारे सीनियर रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक कमीर शरीफ वापडा मुलाजमीन की गफलत और लापरवाही की हद के तीन दिन पहले जलने वाले मीटर्स ताहाल तब्दील ना किए जा सके। मंगल के रोज़ बानिसा वाले बाजार में पोल पर नस्ब बिजली के मीटर्स पर आग लगी, जिससे पोल पर नस्ब 6 मीटर्स मुकम्मल तौर पर जल गए। वापडा मुलाजमीन को बर वक्त इतला देने के बावजूद आज तीसरे दिन तक भी इन मीटर्स को ना तो तब्दीली के लिए उतारा गया, ना बिजली बहाल की गई। मसरूफ़ तरीन रोड पर नस्ब इस पोल के साथ दुकानदारों और घरों के 10-12 मीटर्स नस्ब हैं, जिनमें से 3 मीटर्स मंगल के रोज़ जल गए थे। फौरी तौर पर इनकी खबर ना लेने से दूसरे दिन 3 और मीटर्स को भी आग लगे, जिससे इस पोल पर नस्ब तमाम मीटर से बिजली मुनक़ते हो गई। अहले मोहल्ला और दुकानदारों ने वापडा मुलाजमीन को 12 कॉल्स की, मगर किसी के कानों पर जूं तक न रेंगी। ये कमीर शहर का मसरूफ तरीन कारोबारी बाज़ार है, इसी रास्ते से सैकड़ों की तादाद में स्कूल के बच्चे भी गुजरते हैं। मीटर्स और तारें जलकर नीचे सड़क पर पड़ी हैं, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। मुतासरीन ने मीडिया को अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए कहा कि इतने बड़े वाक़े के बाद भी कमीर वापडा का कोई भी अहलकार हमारी मदद को नहीं पहुँचा। लोग 3 रोज़ से शदीद परेशानी में हैं, अहले हुकाम से फौरी नोटिस लेने की अपील है। बुलेटिन में फिलहाल इतना, मज़ीद देखते रहिए ANY न्यूज़ नेटवर्क।